नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पीएम मोदी आज करेंगे देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा अटल सेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह देश के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। बता दें, अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। ये पुल समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा पुल होगा। पीएम मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान नासिक भी जाएंगे, जहां वह 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जहां से वो 30,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अटल सेतु के शुरू होने से अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और संपर्क मजबूत होगा, साथ ही लोगों के आवागमन की सुगमता भी बढ़ेगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को यानी MTHL को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी वाना सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। यह पुल देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसमें निर्माण में 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। महाराष्ट्र के दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, मैं कल 12 जनवरी को महाराष्ट्र के दौरे के बीच जाने के लिए उत्सुक हूँ। इन दिनों जीजा माता और स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। जानिए नासिक में श्री कालाराम मंदिर में प्रार्थना करूंगा और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लूंगा। इसके बाद मैं मुंबई जाऊंगा, जहां से मैं अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी वाना सेवा अटल सेतु पर नवी मुंबई की यात्रा करूंगा, जो मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए एक प्रमुख बुनियाद ढांचा परियोजना होए। नवी मुंबई में एक सार्वजनिक बैठक में कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया जाएगा।